सब्सक्राइब कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस पे। मैं सुभाष कुमार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपका जो वॉइस का जो लेसन था वह कंप्लीट हो चुका है। तो सुमन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप इन क्वेश्चनों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप इनकी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। कुछ समय पश्चात ये फाइल आपके लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगी। तो देखो, चेंज इनटू वॉइस यानी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ये इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट अम्यूज्ड यू, यानी ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो इसे भी आपको पैसिव में चेंज करना है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सोवन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। और चौथा क्वेश्चन है कि दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। और पांचवा क्वेश्चन है शट द डोर एंड लीव। छठा क्वेश्चन है कि वो नोज यू। और सातवां क्वेश्चन है कि वी आर टॉट इंग्लिश हियर। और आठवां क्वेश्चन है द न्यूज सरप्राइज्ड अस। नौवा क्वेश्चन आपके लिए ओपन द डोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वाज शॉक्ड बाय द लेटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समबडी स्टोल माय कार लास्ट वीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बॉट ए न्यू सेट लास्ट वीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी गेव मी ए बुक। और इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बॉट ए न्यू कार। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय लाफ्ड एट द बिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव वांड यू डब्ल्यू ए आर एन ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट द विंडोज। इसके बाद में है राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रेन इन द स्लम एरियाज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आभा सेंट मी ए कार्ड। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज राइटिंग ए लेटर। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल नेवर फॉरगेट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट द लेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज रीडिंग ए नोवल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शट द डोर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से गो अवे। तो देखो, इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके सुमन में हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो आप इन्हें पैसिव में चेंज करके देखना। यदि आपको नहीं आता है तो हम इसका एक सॉल्यूशन का भी वीडियो अपलोड करेंगे। और कल से आपके दो वीडियो आपके डेली अपलोड होंगे, एक तो क्वेश्चंस का और एक आपके जो चैप्टर्स का। तो आपका ये पैसिव और एक्टिव पैसिव वॉइस है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो आपका जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखो, ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर करके देखना। ये 30 क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से यानी एग्ज़ाम में देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
और जी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स कर सकते हैं, या इसका मैं देखो कल इसका एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा और किस रीजन से हुआ है वो भी इसके साथ में आपको बता दिया जाएगा। तो देखो ये जैसे इन क्वेश्चनों को आप करते हो तो आपको खुद को अपनी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन है कि ये प्रश्नवाचक है तो इंट्रोगेटिव है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। दूसरा जो दूसरे क्वेश्चन देखो इसमें ईडी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनेट में है, तो पास्ट इंडेफिनेट में भी आप यानी किस प्रकार, जैसे आपको बताया मैम ने बताया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनेट में पैसिव बनाते समय वाज वर हेल्पिंग वर्ब होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी देखो वाज यानी वाज प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी आ रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप ऐसे देख सकते हो कि दे शुड फॉलो, या अगला क्वेश्चन है शट द डोर एंड लीव वो नौजियो। तो जैसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिन्हें आप आसानी से अपने एग्जाम की दृष्टि से यानी समझ के आराम से करना। जैसे ओपन द डोर तो ये लेट वाला सेंटेंस है तो लेट द डोर बी ओपन्ड, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो डिड आ रहा है तो डिड क्या है, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट की, तो इसमें यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसमें चेंज करते समय वाज वर्ब का उपयोग होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ही हैज नॉट स्लिप्ड इन हिज बेड, तो इसे भी यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे अगले में वाज आ रहा है, वाज आई वाज सॉक्ड बाय द लेटर, तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में ये पहले से किस में है तो आप इसे देखो चेंज करोगे तो आई वाज शॉक्ड यानी वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये पहले से पैसिव में है तो आप इस क्वेश्चन को एक्टिव में चेंज करना, समझ गए। बारहवें क्वेश्चन को देखो पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है समबॉडी स्टॉल माई कार लास्ट वीक, तो इसे भी आराम से आप कर सकते हो। शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, तो ये इसे आप पैसिव में चेंज करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आई बोट ए न्यू सेट यानी लास्ट वीक, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का, इसे भी पैसिव में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बोट ए न्यू कार, तो इसे भी आपको पैसिव में चेंज करना है। इसके पश्चात है वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, तो इसे भी आप पैसिव में चेंज करोगे। Someone has stolen my suitcase, तो इसमें देखो हैज के साथ में वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप इसे भी पैसिव में चेंज करोगे। द बॉय लाफ्ड एट द बीगर, इसे पैसिव में चेंज करना है। वी हैव वॉर्नड यू, तो इसे भी आप पैसिव में चेंज करोगे। पेंट द विंडोज, तो इसे भी आपको पैसिव में ही चेंज करना है। अगला है राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, तो ये भी देखो इज के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हो। आबा सेंट मी ए कार्ड, यानी जो आबा है वह एक कार्ड सेंड कर रही है, यानी इसमें देखो सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनेट, तो इसे आप पैसिव में चेंज कर लोगे। ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ये भी पैसिव में चेंज होगा। तो इस प्रकार से बढ़िया क्वेश्चन है तो आप खुद को लगेगा कि अपनी तैयारी कैसी है, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट करने के लिए हम हर टॉपिक के लास्ट में एक दिन आपके ऐसे वीडियो 30-40 क्वेश्चंस का हम एक ऐसा वीडियो बना के अपलोड करेंगे जिसकी फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो है तो आप इस इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके देखना, ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में अब आपके जैसे सिलेबस हम जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे, तो आप लोगों से हमारी यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, जैसे अब बहुत ही हमारी जो फैकल्टी है जैसे बीएस ओलंकी सर है और सुमन मैम है तो आपके लिए बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा और सुनहरा मौका है। देखो सपने हैं आपके भी और आपके घर वालों के भी, तो आप इनको देखो इन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेरे हिसाब से जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएँ, तो यानी हमारी हम तो शुभकामनाएँ आपको भेज सकते हैं लेकिन मेहनत करना आपके हाथों में है। तो आप देखो इन क्वेश्चंस को, जैसे सर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपलोड करते हैं, बी एस ओलंकी सर भी, मैम भी बहुत अच्छा पढ़ा रही है, मैं खुद उनके वीडियो देखता हूं, तो आप लोग भी उनकी जैसे ये सर मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत करोगे ना तो आपका सिलेक्शन ज़रूर नवोदय स्कूल में होगा। तो स्टूडेंट्स
ये अब देखो एग्ज़ाम आ गई, तो आप जी जान लगा दो इस एग्ज़ाम के लिए, और मेरी शुभकामनाएं, सर की शुभकामनाएं, मैम की, सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है, और भगवान की कृपा रही तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, धन्यवाद। और इन क्वेश्चंस को लास्ट बार एक बार और बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना, यदि नहीं आए तो हम इसका कल वीडियो अपलोड करेंगे, और कल एक नया वीडियो एक नए टॉपिक का भी आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।